झांसी के युवा वैज्ञानिक श्याम चौरसिया ने किया घुसपैठ को रोकने के लिए अनोखा आविष्कार। हम आपको बता दें, वाराणसी के श्याम चौरसिया ने एक अनोखा आविष्कार कर डाला है। दरअसल श्याम चौरसिया ने सरहदों पर घुसपैठ को रोकने के लिए इंटेलिजेंट सूच का आविष्कार किया है। श्याम चौरसिया ने बताया कि देश की सरहद पर आतंकवादियों के द्वारा घुसपैठ को नाकाम करने के साथ ही देश की सुरक्षा की जा सकती है। आगे उन्होंने बताया कि इस नया आविष्कार को कबाड़ के द्वारा लिए हुए कुछ सामानों से बनाया गया है और इसमें लगभग 30,000 की लागत आई है। इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा कि हमारे जैसे तमाम ऐसे अन्य लोग भी हैं जिनके मन में देश की प्रेम की भावना के साथ ही तमाम अन्य आविष्कार करने की क्षमता भी है, मगर आर्थिक सहयोग न मिलने से नए युवा वैज्ञानिक अपने नए आविष्कारों को करने में पूरी तरह से सक्षम नहीं हो पाते हैं। आविष्कारों को नए मंच देने के लिए भी सरकार के द्वारा आवश्यकता है कि उनके लिए ऐसे मंच बनाए जाए जिससे उनके नए आविष्कार देश के काम आ सके। काशी के श्याम चौरसिया ने कहा कि तमाम आविष्कार देश के सरहदों पर तैनात सैनिकों की सुरक्षा के लिए मन में जिज्ञासा जगी, जिसके तहत हमने ये आविष्कार कर डाला है। क्या नाम आपका है? मेरा नाम श्याम चौरसिया है। श्याम जी, किस तरह का आविष्कार आपने किया है, क्या है ये? ये हमने देश के जवानों की सुरक्षा के लिए इंटेलिजेंस सूच बनाया है। ये स्पेशली बॉर्डर पे जो घुसपैठ होता है उसको रोकने के लिए है। ये जो डिवाइस है वो दो पार्ट में ट्रांसमीटर रिसीवर सिस्टम इसमें है। इसका रेंज 20 किलोमीटर के आसपास है, इसको बढ़ाया भी जा सकता है। और जो ट्रांसमीटर है बॉर्डर एरिया पर लगा होगा, ये मोशन सेंसर और लेजर सेंसर से लेस होगा। कोई भी बॉर्डर पर एक्टिविटी अगर होती है तो ये सिग्नल देता है सूज को, सूज के जरिए जवान को पता चल जाता है कि बॉर्डर पे कोई एक्टिविटी हुई, तो किसी ने क्रॉस किया है, तो समय रहते जवान अपना बचाव कर सकते हैं, वहाँ की जो हरकत है उसको जान सकते हैं। क्या सोच आपकी थी, क्या सोच के आपने सूज की इस तरह के सूज आविष्कार किए? देखिए, आज लोग की मेकिंग इंडिया की हम लोग बात करते हैं, तो देश के लिए हम लोगों को भी कुछ करना चाहिए। हम जैसे युवाओं को देश के लिए कुछ करना चाहिए। हम लोग जो हमारे जवान बॉर्डर पे तैनात होते हैं दिन रात, उनके लिए हम जैसे लोगों को भी सोचना चाहिए, आगे आना चाहिए कि कैसे हम ऐसा क्या उपकरण बनाएं, ऐसा क्या आविष्कार करें कि जिससे जो जवान शहीद होते हैं वो ना हो, बचाव करते हुए बॉर्डर पर लड़ाई हो सके। तो ये मेरी सोच बचपन से रही कि कैसे हम जवानों की सुरक्षा के लिए कुछ नया और कुछ बड़ा कर सकें, पावरफुल कर सकें। किस तरह के मटेरियल आपने इसमें लगाया है? ज़्यादातर हमने इसमें स्क्रैप और कबाड़ का पार्ट यूज किया है। लेजर सेंसर है, मोशन सेंसर है, और रेडियो फ्रिक्वेंसी पे काम करता है ये जो डिवाइस है। तो कॉस्ट है इसको 30,000 से 35,000 रुपये का आया है। अभी प्रोटोटाइप बन करके तैयार है और इसके लिए हमारे क्षेत्र के विधायक हैं और माननीय राज्य मंत्री जी जो हैं वर्तमान में, माननीय रविंद्र जायसवाल सर, वो भी आर्थिक सहयोग भी किए हैं इसके लिए, और उनका भी कहना है कि इसको हम लोग आगे लेकर के जाएंगे। काफ़ी हद तक सरकार जो है इसका प्रलोभन देती है, कितना आपको लगता है कि आपको सहयोग मिला, कितना मिलना चाहिए? देखिए, सहयोग की जहाँ तक बात है कि कभी हम सहयोग के लिए काम नहीं करते हैं। मेरा जो सोच था देश के लिए वो हमने किया। आगे इसको लेके जाना चाहिए, नहीं ये देश हित के लिए है नहीं, तो आगे जो लोग हैं इससे संबंधित बहुत सारे ऐसे मेकिंग इंडिया स्टार्टअप बहुत सारे लोग शुरू कर रहे हैं, तो वो जमीनी स्तर पर होना चाहिए कि ऐसे हम, मैं ये कहता हूँ मैं ही नहीं हूँ, ना जाने देश में कितने प्रतिभाशाली युवक हैं जो पढ़े हुए हैं कहीं ना कहीं, तो उनको एक मंच की ज़रूरत है। कहीं नहीं लगता आपको कि मंच जो है न मिलने से प्रतिभाओं की कमी दिखाई दे रही है? बिल्कुल बिल्कुल। अभी हमने काफ़ी साल पहले प्रोग्राम में गया था, वहाँ मंत्री जी ने कहा कि हमारे यहाँ प्रतिभाओं का काफ़ी शोषण होता है। इतना सब कुछ होने के बाद भी बनारस की एक मंच नहीं है जहाँ पे प्रतिभाएं अपना प्रदर्शन कर सकें, तो ये एक मंच मिलना चाहिए युवाओं को। क्या लगता है आपको कि क्या कारण है कि इस तरीके से बार बार आप मांग उठाते रहे हैं पीएमओ ऑफिस से, पत्रों के माध्यम से भी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र में होने के बावजूद कितना अफसोस है आपको कि अभी तक इस तरीके का कोई प्लेटफॉर्म हो, कोई ऐसी हम इस बात में बताना चाहता हूँ कि देखिए, बगल में हमारी यूनिवर्सिटी भी है और वहाँ आज तक मैं 20 साल से देख रहा हूँ। हालांकि ये बोलना नहीं चाहिए कि क्योंकि सिर्फ इन्वेंशन होते रहते हैं, उनका रिजल्ट नहीं मिलता, वो चीज़ें मार्केट में, जब हम स्टार्टअप इंडिया और मेकिंग इंडिया की बात करते हैं तो अभी हम आप देखेंगे तो साउथ से भी काफ़ी पीछे हैं। अब ज़रूरत है कि हम उसको प्रैक्टिकली बनाएं, उसको मार्केट में लाएं। तो अभी हम जैसा कि देख रहे हैं कि वो चीज़ें अभी अखबार और टीवी चैनल में हैं, ज़मीनी स्तर पर बहुत कम ऐसे लोगों को सहयोग मिल रहा है। काशी की अगर बात करें तो काशी सर्वविद्या की राजधानी रही है, BHU है, काशी विद्यापीठ है, संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी है, लेकिन इस तरीके की प्रतिभाएं निखर कर सामने नहीं आ पा रही हैं। क्या मानते हैं, सरकार का फेल्योर है ये? नहीं देखिए, फेलियर तो नहीं कहेंगे क्योंकि अभी मीडिया में चलने की बात
तीन चार साल पहले हमारी मुलाकात हुई थी यहाँ के जो हमारे क्षेत्र के जो शहर उत्तरी के विधायक सर हैं, उन्होंने खुद अपने घर पे बुलाया, काफ़ी सहयोग भी किया उस समय। हमें लगता है कि वो इस चीज़ को पहल करेंगे और हम अपनी बात भी उन तक रखेंगे कि सर एक मंच युवाओं को मिले, वाराणसी में एक मंच मिले जहाँ हम अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर लें और देश के लिए कुछ कर सकें, और ऐसे जो भी देश में ऐसे बच्चे हैं वो आके वहाँ पे अपना प्रदर्शन कर सकें, तो वो चीज़ें हमारे यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। नहीं, व्यक्तिगत तौर पर विधायक जी ने आपकी मदद की, निश्चित तौर पर ये सराहनीय है, लेकिन इस तरीके का कोई सिस्टमेटिक इंतजाम जिस तरीके से एमएसएमई मंत्रालय है या एंटरप्रेन्योरशिप की बात होती है उस पर बजट आता है अच्छा खासा, लेकिन आप जैसी जो प्रतिभा है उसको आर्थिक मदद नहीं मिल पा रही है, तो क्या क्या कारण है, कितना बड़ा आपको दुख होता है? देखिए, दुख तो उसको नहीं कहेंगे क्योंकि मेरा एक जुनून रहा है देश के लिए कुछ करना, तो मैं जो भी करता हूँ, सैलरी मुझे जॉब है, पार्ट टाइम जॉब है मेरा अशोक इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट में, तो जो भी मिलता है हमें लगता है कि कुछ पैसा देश के लिए खर्च करना चाहिए, सरकार मदद करे या ना करे, लेकिन जो मेरी सोच है देश के प्रति वो मैं करता हूँ और करता रहूँगा। सरकार की क्या मंशा है, उनको क्या करना चाहिए, कि उनकी सोच है, तो हमारा काम हमेशा आप पे डिपेंड होता है। अगर आपकी सोच अच्छी है, आप देश के लिए सोचते हैं, तो आप ज़रूर आएंगे, हमारे जैसे जो प्रतिभाएँ हैं उनको हेल्प जरूर करेंगे, क्योंकि हम देश के लिए काम कर रहे हैं। आज की खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें Z News Digital Media के साथ।